अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि हमने क्लास से हम गज़ल नंबर एक स्टार्ट की हुई है, इसमें शेर नंबर 3-4 की तशरीह आज हम करेंगे। यह गज़ल जो कि लिखी हुई है मौलाना हसरत बहानी की, शेर नंबर 3 है इसमें। मैं दरमांदा इस पार गाह अता का, गुनाहगार हूँ एक खता हो गई है। शायर हसरत ने इस शेर में वाक़िया आदम की तरफ इशारा किया है और ये बताया है कि इंसान खता का पुतला है, मगर तौबा के दरवाज़े से गुज़र कर वो दोबारा आला मुकाम पर फ़ाइज हो सकता है। ये आला मुकाम इसे सख्त मेहनत और रियाजत से हासिल हो सकता है। शायद कहना चाहता है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से शजर ममनुआ का फल खाने की गलती हो गई और जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया, मगर तौबा करने पर माफ़ी मिल गई, इसी तरह मैं भी औलाद आदम हूँ। ख़ताएँ मेरी फितरत में शामिल हैं, मैं अपनी ख़ताओं की वजह से अल्लाह की रहमतों से महरूम हूँ। बुरे अमाल की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मैं शैतान के बहकावे में आकर गलती कर बैठा हूँ, इसलिए मेरा रब मेरी दुआएं नहीं सुनता। काश मुझ पर तौबा का दरवाज़ा खुल जाए, मेरी तौबा कबूल हो जाए और मेरा रब जो मेरा खालिक व मालिक राज़िक़ और दाता है मुझसे राज़ी हो जाए। मिसल आदम मेरी भी तौबा कबूल हो जाए और मैं फिर से अल्लाह का कुर्ब पा लूँ, क्योंकि यही कुर्ब मेरे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। बकौले हसरत मोहानी, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। ये थी बेटा शेर नंबर 3 की तशरीह। अब हम देखते हैं शेर नंबर 4। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शोक में क्या से क्या हो गई है। हसरत का ये शेर मजाजी और हकीकी दोनों रंग अपने अंदाज समोए हुए हैं। हालत क्या से क्या हो गई है ज़ू मायनी है, मजाजी लिहाज से कहा जाए तो पहले बेहतर थी अब ख़राब हो गई है, और हकीकी लिहाज से देखा जाए तो पहले ख़राब थी अब बेहतर हो गई है। मजाजी लिहाज से आशिक अपने महबूब से गिला करते हुए कहता है कि देख तेरे इश्क के जाल में फंस कर मैं किस कदर बर्बाद हो गया हूँ, ज़रा एक नज़र अपने आशिक बेहाल को देख तो सही, तुम्हें खबर हो तेरी मोहब्बत की दीवानगी ने किस तरह मुझे दुनिया में रुसवा कर दिया है। एक तरफ तेरी बेरुही है हिजर है और दूसरी तरफ बेरहम दुनिया के सितम हैं। हालात के थप्पड़ों ने मेरी सूरत बदल कर रख दी है, जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन गई है। बकौले मीर, फिरते हैं मीर हवार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर हवार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। बेटा ये शेर नंबर 3 और 4 की हमने जो तशरीह की है ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसे अपनी होमवर्क डायरी वाली होमवर्क वाली कॉपी पे नोट कर लें।